दोस्तों ये दौर था 18वीं सदी का। उस समय भारत अंग्रेजों के कब्जे में था और इस दौर में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसी सदी में भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। आज से करीब 168 साल पहले तारीख 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार पटरियों पर ट्रेन दौड़ती है, जो कि बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ये ट्रेन दोपहर 3:30 पर बोरी बंदर यानी आज का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से रवाना हुई और शाम 4:45 पर ठाणे पहुंची। इस पहली ट्रेन में लगभग 400 के करीब यात्रियों ने सफर किया था। 20 डिब्बों वाली इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर लंबा सफर तय कर लिया था। ट्रेन में बैठे यात्रियों का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पहली बार लोग ट्रेन में सफर तय कर रहे थे और भारत में उस समय पहली बार ट्रेन चलना पूरे देश के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी शुरुआत थी। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। अगर आज की बात की जाए तो भारत में लगभग 1,15,000 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का जाल फैला है। भारतीय रेलवे अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत के इतने बड़े रेल नेटवर्क में लगभग 16,00,000 कर्मचारी काम करते हैं। इस तरह यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला विभाग है। भारत में प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रेनों में सफर तय करते हैं। भारत में छोटे बड़े कुल मिलाकर 7500 रेलवे स्टेशन है। भारत के आजाद होने के बाद बंटवारे के समय भारत का रेलवे नेटवर्क भी भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गया था। इसके बाद साल आता है 1951 का। साल 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। दोस्तों 1891 से पहले ट्रेन में शौचालय नहीं हुआ करते थे, लेकिन साल 1891 में ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बों में शौचालय की सुविधा की गई। लेकिन लोकल श्रेणी के डिब्बों के लोग भी परेशान थे, इसलिए पश्चिम बंगाल के एक यात्री अखिल चंद्र सेन ने रेलवे स्टेशन को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि वह बाथरूम के लिए गया हुआ था और उसी दौरान उसकी ट्रेन निकल गई। इसके बाद रेलवे ने इनकी शिकायत को सुनते हुए सभी डिब्बों में यात्रियों के लिए टॉयलेट की सुविधा शुरू की। सभी डिब्बों में यात्रियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था साल 1909 में ट्रेनों में शुरू कर दी गई थी। इससे पहले शौचालय ट्रेनों में नहीं हुआ करते थे। चलिए आपको भारत में रेल का इतिहास बताते हैं। दोस्तों यूं तो भारत में रेलवे के लिए पहला प्रस्ताव 1832 में ही रख दिया गया था, लेकिन इस पर कुछ खास कार्य नहीं किया गया। आपको बता दें कि साल 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला ट्रेल कंपनी की स्थापना हुई। 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। इसके बाद भी कई अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत भारत में रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। फिर साल 1856 में भारत में भाप के इंजन बनाना भी शुरू कर दिए गए थे। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर रेल चली, उसके बाद मीटर गेज और फिर ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉडगेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। दोस्तों आज भारत में रेलवे सिस्टम काफी उन्नत हो चुका है। आज भारत की बड़ी बड़ी सिटीज में मेट्रो ट्रेन चलती है। इसके साथ ही आज भारतीय रेलवे बुलेट और सेमी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये ट्रेन सेवा बहुत ही फास्ट होगी। आपको बता दें कि सेमी बुलेट ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ लगाएगी। वैसे दोस्तों साल 1988 में दिल्ली और भोपाल के बीच शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ये प्रति घंटे 150 किलोमीटर भागती है, जो कि काफी फास्ट ट्रेन मानी जाती है। अब दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए, और क्या आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे कि दुनिया में सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत कैसे की गई थी। अगर आप इस प्रकार का देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।